हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखविंदर कौर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स GGDST कॉलेज हरियाणा होशियारपुर। पिछले लैक्चर दे विच आपां टाइप्स कीतियां सी प्लानिंग दियां टाइप्स, ते अज आपां जिहड़ियां रहिंदियां टाइप्स आ उह करांगे। सब तो पहला जिहड़ी टाइप है अगे प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, प्रोत्साहन द्वारा नियोजन। इन प्लानिंग द इंड्यूसमेंट द गवर्नमेंट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट की करती है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सैक्टर को प्रमोट करने लिए, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स जोड़े आ काफ़ी सारे जोड़े प्रभावित करने की कोशिश करती है काफ़ी तरीकों के नाल, लाइक सबसिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करके, और अजिहा करके सरकार जी है वो डिवेलपमेंट प्रोसैस में शुरू करने की कोशिश करती है। तो सरकार ये भी करती है कि गरीबों द्वारा जी डिमांड है ज़्यादा की जाए, क्योंकि जो डिमांड ज़्यादा होएगी तो बिना शक उत्पादन है जोड़ा वधाया जाएगा। इसलिए सरकार काफ़ी सारिया जड़िया मैथड्स अडोप्ट करती है, प्रेरित करती है कि जी डिवेलपमेंट प्रोसैस शुरू हो सके। पर यदि कुछ एक लिमिटेशन भी है, सब तो पहला तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता, ये निजी खेत्र लागू हों वाला जो तरीका है निजी खेत्र प्रमोट किया जाता, और बधेरे करके वस्तुओं दमियां बाद पैनिया शुरू जड़िया पैदा होनिया शुरू हो जाए, और इनएडिकुएट इंसेंटिवस। तो यह भी है कि कई बार सरकार अपने वालों काफ़ी इंसेंटिवस प्रोवाइड कर रही होंगी, सबसिडी दे रही होंगी है, पर बिजनेसमैन या लोगों को यह लगता कि जिहड़ियां ये प्रोवाइड कर रही है सानू हैल्प प्रोवाइड कर रही है वो काफ़ी नहीं है। तो पूंजी निर्माण की दर जी घट रह जाती है कई बार, और उसके करके भी सरकार ने जिहड़े यतन किए होंगे सफल नहीं होंगे। प्लानिंग बाय डायरेक्शन, तो कई बार सरकार जी ये डायरेक्शन के थ्रू, मीनस वीयर प्लानिंग इज़ कैरीड आउट थ्रू कमांड्स डायरैक्ट ऑर्डरस एंड इंस्ट्रक्शनस, मीनस कमांड्स दे दी जाए डायरैक्ट ऑर्डर के देते जाते हैं कि किन्ना किस मात्रा का किस चीज़ का प्रोडक्शन की जाएगी, किन्नी मात्रा च की जाएगी, और इस तरीके दे नाल भी प्लानिंग जी की जाती है। आम करके कम्यूनिस्ट कंट्रीज़ लाइक रशिया चाइना के जड़ा आम किया जाता सी, और लिमिटेशंस जिहड़ियां कंज्यूमर की सवरनिटी जी वो प्रभू सत्ता वो खत्म हो जाती है, मीनस उन्हों उही चीज़ मिलेगी जी सरकार चाहती है कि प्रोड्यूस होवे। ये बिल उच्च दर इस योजना के तब्दीली करनी बहुत ही सौखी नहीं सी, और बहुत खर्चीली योजना आ कि सहयोग उद्यमी नहीं होंगे कई बार जो तुम वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, कोई नवा प्रोडक्ट मान लो प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिद लोगों को कई बार ज़्यादा खर्च करना जोड़ा पै जाता। दैन नैक्सट जी प्लैनिंग हैगी प्रस्पैक्टिव, जो ती भविख निकट भविख योजना कहते इसको, ये एक शॉर्ट पीरियड योजना होंगी है। ये अंतर्गत की है कि शॉर्ट पीरियड के जोड़े उद्देश है वो निश्चित किए जाते हैं तो उन्होंने पूरा करने का यतन किया जाता। प्रस्पैक्टिव प्लैनिंग लोंग पीरियड के लिए जी प्लैनिंग की जाती है, और फ्यूचर के लंबे टाइम कि चेंजेस आन गिया वो अकॉर्डिंग उन्होंने ध्यान रखते हुए जी प्लैनिंग की जाती है। पर जी प्रस्पैक्टिव प्लैनिंग सब तो बड़ी प्रॉब्लम जी आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ आ जाती हैं, क्योंकि लंबे टाइम पर चले जाती है, तो साइकोलॉजिकल डिफरेंसिस जी डिफिकल्टीज़ आ भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जो असं प्लैनिंग शुरू करते हैं इस तरह का प्लैन शुरू करते हैं उस वे कोई कंडीशनस जीडिया अलग हों बाद चेंज हो जाए जिदे करके ये भी साइकोलॉजिकली जीडिया डिफिकल्टीज आनिया शुरू हो जाए। कई बार यही होंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ने उन्हें शुरू किया होंगे वह भी चेंज हो जाता। नैक्सट जी है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक प्लैनिंग जी ये है कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उन्होंने सलाह के द्वारा एक जी प्लैनिंग की जाती है, खरड़ा तैयार किया जाता, तो किसी भी किस्म का दबाव नहीं पाया जाता, सारे के सहयोग के नाल इस तरह का जिहड़ा प्लैन अडोप्ट किया जाता। इसनों सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट्स जिहड़ियां सारियां नूं ध्यान दे विच रखदे हुए बनाया जाता, तो सारियां नूं इहदे विच अलग अलग लैवल दे उत्ते जिहड़ियां रिस्पोंसिबिलिटीज़ आ उह प्रोवाइड कीतियां जांदियां। तो दूसरी हैगी टोटेलीटेरियन, टोटेलीटेरियन है जी की है तानाशाही होंगी है, ये सारिया जिन्या भी क्रियावं आर्थिक क्रियावं है इन्हों का जोड़ा कंट्रोल आ सरकार के हाथों हों, और उत्पादन के साधना से पूरी तरह स्टेट का कंट्रोल हों, और ये जी कंज्यूमर की सवरंटी है खत्म हो जाती है। एक तरह न रिजिड प्लैनिंग होंगी है, मतलब कठोर नियोजन होंगे है, रशिया चाइना वर्गे समाजवादी देश है जिथे जड़े उत्थे जो नियोजन है वह पाया जाता। नैक्सट हैगी है इंडिकेटिव प्लैनिंग, इंडिकेटिव जिदा संकेतिक योजना, सब तो पहले ये फ्रांस के शुरू की गई सी, यह विकेंद्रीकरण के सिद्धांत आधारित सी, इहदे तहत बाजार में प्रोत्साहन ते प्रलोभना द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। इस प्रणाली के तहत मजबूरन जां आदेशां नूं जानबूझ के लागू करन दी बजाय प्रोत्साहन शामिल है, नियोजन का यह प्रकार आदेशात्मक नहीं है परंतु लोचशील है।
और भारत के संकेतिक नियोजन 8वीं योजना के बाद बनाया गया सी। एक अजिही अर्थव्यवस्था द्वारा दर्शाया जाता है जिथे निजी खेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। राजा अपनी भूमिका नियंत्रक ते निजायम तो सहायक के रूप में बदल लेंदा, मीनस प्राइवेट सैक्टर को प्रमोट किया जाता, मतलब किसी भी सैक्टर को प्रमोट करने के लिए इस तरह की जी प्लैनिंग की जाती है, तो उन्होंने फिर हेल्प्स जो प्रोवाइड की जाए कि वो उन्होंने हेल्प दे के अगर डिवेलपमेंट प्रोसैस जी शुरू करने की कोशिश की जाती है। 8वीं योजना तो बाद प्राइवेट सैक्टर को काफ़ी प्रमोट किया गया और इंडिया के इसलिए कहते हैं कि इंडिकेटिव प्लैनिंग है जी 8th 5-year प्लैन जो 1992 के आया से उदों तो शुरू हुई। उस तो बाद इंपैरेटिव इंपैरेटिव वो योजना वो प्लैनिंग आ जिसनों तैयार तो लागू करन दे विच सेंट्रल अथॉरिटी जी मेन रोल प्ले करती है और उसका पूरा कंट्रोल होंदा ते सारिया आर्थिक क्रियावां उहदे कंट्रोल दे अधीन उहदे दिशा निर्देशां दे अधीन कीतियां जांदियां। उपभोक्ता नूं अपने आप दे विच कोई प्रभुसत्ता नहीं हुंदी, इह साडे वर्गे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ दे विच नहीं पाईआं जांदियां, आम करके समाजवादी देश लाइक चाइना उत्थे इह पाईआं जांदियां, पर लिमिटेशनस इस दीआं इह हुंदियां कि बहुत महंगा आ, बहुत सारा धन खर्च करना पैंदा, जिहड़ी अफसरशाही आ लाल फीता शाही जिहनूं असीं कह दिंदे आ उह बहुत उच्चे पद्धर ते देखण नूं मिलदी आ, और उपभोक्ता जिहड़े आ मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन जिहड़ी एक कंज्यूमर नूं हुंदी पई आ उस तो वंचित रह जांदे आ, उहनां नूं मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन वाला कंसैप्ट आ जिहड़ा उत्थे कम नहीं करदा। इह सी प्लैनिंग दीआं टाइप्स, इस दे नाल प्लैनिंग साडा चैप्टर आ जिहड़ा कंप्लीट हुंदा, कल असीं नैक्सट शुरू करांगे। थैंक यू सो मच।